नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल फूड विद विनोद में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए टूटी फ्रूटी की रेसिपी लेके आया हूँ। वो भी हम ऐसी चीज़ से बनाएंगे जो हम अधिकतर वेस्टेज कर देते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम तरबूजा खाते हैं तो जो पीसे का पार्ट है, यानी कि जो उसके मोटे छिकल होते हैं, इनको हम फेंक देते हैं। तो आज दोस्तों हम इनका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो जो हमने तरबूजे खाए उसके बाद जो पीछे के पार्ट बच जाते हैं, इनको हम आज इस्तेमाल करने वाले हैं। दोस्तों, ये तरबूजे के पीछे के जो पार्ट हैं, इसको हमने जो हल्का सा रेड पार्ट बच जाता है, इसको पिलर की सहायता से निकाल लेना है। और जो पीछे का डार्क ग्रीन पार्ट है, इसको भी छिल्लर की सहायता से इसको भी हटा लेना है। यानी कि आगे का रेड पार्ट और पीछे का डार्क ग्रीन पार्ट को हम साफ कर लेंगे। और इस तरह से हमारे पास जो बचेगा उसको हमने लेंथ वाइज, यानी कि पतले पतले टुकड़ों में लंबाई में काट लेना है। और उसके बाद इसे बारीक चॉप कर लेंगे, यानी कि जो छोटे छोटे क्यूब्स में हमने बना लेना है। दोस्तों, ये देखिए, इस तरह से काट लेंगे और बाजार जैसी एकदम परफेक्ट टूटी फ्रूटी दोस्तों आज बनाने वाले हैं। आप घर पर आसानी से बना सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले एक पैन लेंगे, उसमें पानी उबाल लेंगे और जो हमने ये तरबूजे के टुकड़े काट के रखे हैं, इनको बॉईल करेंगे। इनको दोस्तों ट्रांसपेरेंट होने तक बॉईल करना है। जब ये ट्रांसपेरेंट दिखने लगे, ये देखिए, तब तक हमें इसे बॉईल करना है। ये ट्रांसपेरेंट दिखने लगे हैं तो ये एकदम परफेक्ट हो गया है। इनको हम छान लेंगे और एक दूसरा पैन लेंगे, उसमें हम 2 कप पानी और 1 कप चीनी डाल के इसको पका लेते हैं। ये देखिए, चीनी और पानी जब उबल जाए तो ये जो तरबूजे के टुकड़े हैं छिलके वाले, इनको इसमें ऐड कर लेंगे और इनको 10 से 12 मिनट स्लो फ्लेम में पकने देना है दोस्तों, जिससे कि जो शुगर का टेस्ट है ये टुकड़े अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर ले। ये देखिए, 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, अब हम इनको छान लेंगे। दोस्तों, अब हम इसमें अपने इच्छानुसार अलग अलग कलर ऐड कर लेंगे, जैसे कि मैंने रेड, ग्रीन और येलो कलर इनमें ऐड कर लिया है। और इनको चम्मच की सहायता से अच्छी तरह मिला लेंगे, जिससे कि सारे टुकड़ों में कलर बराबर आ जाए। ये देखिए, आप अपने इच्छानुसार और भी कलर इसमें बढ़ा सकते हैं, जो मन चाहे। तो दोस्तों, इसके बाद इनको हमने एक प्लेट में फैला लेना है और इनको लगभग 1 दिन पूरा सुखाना है। और हो सके तो धूप में ये बहुत बढ़िया होंगे, तो इनको बढ़िया करके सुखा लेंगे। और उसके बाद
दोस्तों ये टूटी फूटी बनके तैयार है। तो दोस्तों बाजार जैसी टूटी फूटी एकदम रेडी है, आप इसे लस्सी या कोई भी मिठाई में यूज़ कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों। और आप ये वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।